ये है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन, कुछ इस तरह का दिखता है बिल्डिंग, है ना। और भाई अभी मैं जा रहा हूँ कन्याकुमारी बीच में, बीच कन्याकुमारी बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। ये जो है कन्याकुमारी बीच, यहाँ से इस रेलवे स्टेशन से, कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन से लगभग 900 से 1000 मीटर दूर है। तो चलते हैं वहाँ पर और देखते हैं कैसा बीच है। और इससे पहले मैं अभी चेन्नई बीच को एक्सप्लोर करके आया हूँ। चेन्नई में जो बीच है, एक सबसे बड़ा बीच मैरीना बीच है, उसको एक्सप्लोर करके आया हूँ। वो बहुत ही बड़ा था, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। और यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कैसा है यहाँ का बीच, है ना। और इसे देखिए भाई, कितना बड़ा स्टैचू बनाया गया है सिर का। और ये है मायापुरी हाउस ऑफ मिरेकल्स, मायापुरी हाउस ऑफ मिरेकल्स 3D पेंटिंग गैलरी, इंडिया फर्स्ट वैक्स म्यूजियम। भाई एक म्यूजियम है ये, ठीक रेलवे स्टेशन के बाहर में, मायापुरी हाउस ऑफ मिरेकल्स। तो यहाँ पर आएंगे जब ये खुलेगा, है ना। और यह है भाई अरुण मेघु श्री रुग्नाथेश्वर मंदिर, कन्याकुमारी मंदिर है, ना। चल के देखते हैं भाई। और ये जो मंदिर है ठीक रेलवे स्टेशन के बाहर में है। यहाँ पर मैं चप्पल रख देता हूँ अपना। मंदिर तो बहुत ही अच्छा है भाई, है ना। दोनों साइड केले का पेड़, काफी पेड़ लगे हुए। और ये मैं आ गया अंदर।
और भाई ये देख सकते हो आप, स्नेक ही स्नेक, सांप ही सांप है, नाग बाबा है शेष नाग है ना। और सबके ऊपर हल्दी चंदन पता नहीं क्या क्या से ढक दिया गया है। और भाई यहाँ पर देख सकते हो कितना अच्छा गार्डन है ना। और यहाँ पर दो बिल्लियाँ। और अब मैं चला बाहर। और यहाँ से देख सकते हो भाई कैसे। तो दोस्तों अभी मैंने आपको कन्याकुमारी का मंदिर दिखाया जिसका नाम है नाम है इस तरह का, बहुत ही अच्छा मंदिर है। अब अगर आप इस रेलवे स्टेशन पर या फिर रेलवे स्टेशन पर आते हो तो इस मंदिर को आ सकते हो। ठीक रेलवे स्टेशन से बाहर आओगे मेन रोड के पास, ये पास में ही बहुत ही पास। और ये देख सकते हो भाई हाईवे रोड, और ये है इधर का। ये क्या है भाई, चर्च है ना वहाँ पर, बहुत दूर में चर्च है और उसके उस तरफ फिर समुद्र है, हिंद महासागर है ना। तो मुझे किस तरफ से जाना चाहिए, चर्च से जाऊँ पहले?